दोस्तों मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स में इन्फिनिटी स्टोन मोस्ट पावरफुल ऑब्जेक्ट माना जाता है, लेकिन दोस्तों एनिमी में कुछ इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर ऑब्जेक्ट देखने को मिल जाते हैं। स्वागत है आपका दोस्तों स्क्रीन पॉइंट में, और आज हम बात करने वाले हैं एनिमी में टॉप 10 मोस्ट पावरफुल ऑब्जेक्ट के बारे में, जो कि दोस्तों इन्फिनिटी स्टोन से भी ज्यादा पावरफुल है। दोस्तों यहाँ पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब करें ताकि इससे रिलेटेड कोई वीडियो आप मिस न कर सके। दोस्तों अगर हम नोटिस करते हैं तो मार्वल कॉमिक्स में इन्फिनिटी स्टोन मोस्ट पावरफुल ऑब्जेक्ट होता है, और मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स में तो और भी ज्यादा पावरफुल साबित हो चुका है। जो भी इन्फिनिटी स्टोन को कंट्रोल करेगा वो रियलिटी को रीमेक कर सकता है, लेकिन दोस्तों इससे यूजर का जान भी जा सकता है। लेकिन दोस्तों अगर हम एनिमी में देखते हैं तो हमें एनिमी में कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट देखने को मिल जाते हैं जो कि दोस्तों इन्फिनिटी स्टोन से भी ज्यादा पावरफुल हैं, और ज्यादा सेफ और अच्छा भी है। तो दोस्तों क्या वो ऐसे ऑब्जेक्ट के बारे में जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए। तो दोस्तों ज्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 10, डेथ नोट। दोस्तों एनिमी में हमेशा हम सुनते आ रहे हैं कि डेथ नोट एनिमी का मोस्ट पावरफुल वेपन में से एक है, और इसका खास बात यह है कि इस बुक में किसी का भी नाम को लिखा जाएगा तो दोस्तों उसका डेथ होना निश्चित होता है। और तो दोस्तों डेथ नोट से ये भी पता चल जाता है कि आखिरकार वो इंसान मर गया कैसे। यहाँ पर दोस्तों डेथ नोट की मदद से लाइट यागामी कितने लोगों को मार चुका है। यहाँ पर दोस्तों इन्फिनिटी स्टोन रैंडम पर्सन को मार सकता है, लेकिन दोस्तों डेथ नोट कोई भी चुना हुआ पर्सन को मार सकता है। नंबर 9 पे आता है द गोल्डन क्रिस्टल द सेलर मून सीरीज से। दोस्तों यहाँ पर गोल्डन क्रिस्टल सभी मोस्ट पावरफुल आर्टिफैक्ट में से एक है, जो कि दोस्तों सेलर स्काउट के द्वारा यूज किया जाता है। यहाँ पर दोस्तों गोल्डन क्रिस्टल का पावर लोगों का पॉजिटिव ड्रीम के ऊपर डिपेंड करता है कि ये ज्यादा पावरफुल होगा या फिर ज्यादा कम पावरफुल होगा। अगर ड्रीम पॉजिटिव हुआ तो दोस्तों इतना पावर देगा कि आप सोच भी नहीं सकते। भले दोस्तों ये रिस्की है, लेकिन दोस्तों रॉ पावर के मामले में ये गोल्डन क्रिस्टल इन्फिनिटी स्टोन को भी पछाड़ देता है। इन्फिनिटी स्टोन दोस्तों तभी सबसे ज्यादा पावरफुल होता है जब 6 स्टोन एक साथ हो, लेकिन दोस्तों ये क्रिस्टल का असली स्ट्रेंथ थियोरेटिकली इन्फिनाइट है। नंबर 8 पे आता है शुकुना का फिंगर जुजुत्सु काइसेन से। दोस्तों सेंचुरी पहले शुकुना सबसे डेंजरस सॉर्सरर था, यानी कि दोस्तों जादूगर था, लेकिन दोस्तों कुछ समय के बाद शुकुना अपने 20 फिंगर कटने के बाद सील्ड हो गया था, और वो 20 उंगलियों को वो जापान में फैला दिया था। यहाँ पर दोस्तों ये फिंगर को खाने से यूजर के अंदर सुकुना आ जाता है। वैसे ही दोस्तों यूजी जो कि ये एनिमी सीरीज का मेन प्रोटैगनिस्ट था, वो टोटल 4 फिंगर को खा लिया था, और फिर दोस्तों वो मोस्ट पावरफुल जादूगर बन गया था, क्योंकि दोस्तों उसके अंदर शुकुना का वास था, मतलब दोस्तों शुकुना री इनकार्नेशन इसके जरिए हुआ था। भले दोस्तों इन्फिनिटी स्टोन में रियलिटी को रिशेप करने के लिए बहुत ही पावर है, लेकिन दोस्तों शुकुना का फिंगर होस्ट को बहुत ही खतरनाक रूप में चेंज कर देता है, और इसके साथ साथ दोस्तों शुकुना का सभी पावर इसके होस्ट के पास चला आता है। नंबर 7 पे आता है दोस्तों द फिलोसोफर स्टोन फुल एल्केमिस्ट ब्रदरहुड से। दोस्तों यहाँ पर फिलोसोफर स्टोन एक ऐसा स्टोन है जिसको कि इटरनल लाइफ और यूथ यानी कि जवानी को पाने के लिए यूज किया जाता है। इसको हम पावर और सोल स्टोन का एक कॉम्बिनेशन कह सकते हैं। फिलोसोफर स्टोन का दोस्तों पावर इसके ऊपर डिपेंड करता है कि इसके पीछे कितने ह्यूमंस का सोल का सेक्रीफाइस हुआ है, मतलब कि दोस्तों ह्यूमंस का सोल ही ये स्टोन को पावर देता है। और तो दोस्तों ये स्टोन को यूज करना बहुत ही सेफ माना जाता है। अगर किसी के पास सफिशियंट फिलोसोफर स्टोन है तो दोस्तों कोई भी एल्केमिस्ट जितना लंबे समय चाहे उतना लंबे समय जी सकता है, लेकिन दोस्तों इन्फिनिटी स्टोन के मामले में ये अपने यूजर को है। नंबर 6 पे आता है द हॉक योको ब्लीच से। दोस्तों यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट का इतना ज्यादा रियल पावर होता है कि ये अपने यूजर का असली डिजायर को रियलिटी में बदल सकता है। जैसे कि दोस्तों शोशो के आइजन एक गॉड में बदल गया था, और इसका पावर सबको पछाड़ दिया था इस सीरीज में। यहाँ पर दोस्तों ये कैरेक्टर ब्लीच सीरीज का मेन एंटेगोनिस्ट था। अगर हम नोटिस करते हैं तो योग्योकू जो भी दोस्तों चेंज करता है वो परमानेंट होता है, ना कि टेम्पररी। यहाँ पर दोस्तों हॉक योकू का यही चीज इन्फिनिटी स्टोन से इसको बहुत ही अलग बनाता है, और पावरफुल तो बनाता ही है। एजन का दोस्तों पावरफुल कंटिन्यूस इवल होते जा रहा था ये ऑब्जेक्ट के जरिए, जबकि दोस्तों इन्फिनिटी स्टोन का बदला हुआ चीज एक स्नैप के जरिए फिर से अंडो किया जा सकता है। नंबर 5 पे आता है दोस्तों द होली ग्रेल द फेट सीरीज से। दोस्तों यहाँ पर होली ग्रेल विनिंग वाले पेयर का विश को पूरा कर सकता है। विनिंग वाले पेयर जो भी विश करे होली ग्रेल उसको जितना डेस्ट्रक्टिव वे में हो उसको पूरा करता है। इतना ही नहीं बल्कि दोस्तों होली ग्रेल इविल हिस्ट्रिकल और मिथिकल फिगर को भी समन कर सकता है अपने सर्वेंट के तौर पर। कुछ भी हो दोस्तों होली ग्रेल एक बहुत ही खतरनाक ऑब्जेक्ट है, और विश को पूरा करने के लिए जितना भी डेस्ट्रक्टिव हो वो पूरा करेगा ही करेगा। बिना डाउट के दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि होली ग्रेल सभी इन्फिनिटी स्टोन से पावरफुल है। नंबर 4 पे आता है टर्न ए और एक्स गंडम गंडम सीरीज से।
दोस्तों यहाँ पर अगर ये गंडम को एक बार एक्टिवेट कर दिया जाए तो फिर दोस्तों ये सिविलाइजेशन को रीसेट कर सकता है। टर्न ए और एक्स गंडम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गंडम साबित हुए थे। इसमें दोस्तों हमें एक बटरफ्लाई सिस्टम देखने को मिलता है। नानो मशीन के आर्मी के रास्ते जो भी इनऑर्गेनिक आ रहा था वो सभी को ये लोग मिटा दे रहे थे। यहाँ तक कि दोस्तों ह्यूमंस को प्राचीन अवस्था में जाने के लिए ये लोग फोर्स किए थे। यहाँ पर दोस्तों ये सभी अच्छा चीज ये गंडम को एक्टिवेट करने के बाद ही हो पाया था। यहाँ पर दोस्तों सिविलाइजेशन को रिसेट कर देना कोई भी बड़ा बात नहीं है। खैर दोस्तों इन्फिनिटी स्टोन का पावर तो कुछ इससे मिलता जुलता है, लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं इससे थोड़ा कम पावरफुल है। नंबर 3 पे आता है द लेंस ऑफ गाइस इवेंजेलियन सीरीज से। दोस्तों द लेंस ऑफ गाइस से यूजर रियलिटी को फिर से रीमेक कर सकता है। इसके जरिए दोस्तों अच्छाई के लिए वर्ल्ड को चेंज भी किया जा सकता है। इसका दोस्तों पावर को ऑलरेडी सांजी इकारी के द्वारा यूज किया जा चुका है। अगर हम इन्फिनिटी स्टोन्स का देखते हैं तो दोस्तों ये प्रेजेंट को चेंज कर सकता है, लेकिन दोस्तों गाइस जिस हिसाब से टाइम और स्पेस को चेंज कर सकता है वैसा दोस्तों इन्फिनिटी स्टोन बिल्कुल भी नहीं कर सकता। और दोस्तों लेंस ऑफ गाइस की मदद से शिनजी नियॉन जेनेसिस इवेंजेलियन का कंसेप्ट को खत्म करना चाहता था। नंबर 2 पे आता है ड्रैगन बॉल और सुपर ड्रैगन बॉल ड्रैगन बॉल सीरीज से। दोस्तों अगर हम नोटिस करते हैं तो ड्रैगन बॉल को एक एक करके कलेक्ट करना पड़ता है, लेकिन दोस्तों अगर ये सभी ड्रैगन बॉल एक साथ जमा हो जाए तो फिर दोस्तों इटर्नल ड्रैगन शमन होता है और ये ड्रैगन यूजर का कोई भी विश को पूरा कर सकता है जो उसकी एबिलिटी में आता हो। जबकि दोस्तों सुपर ड्रैगन में हमें बहुत ही कम ही लिमिट्स देखने को मिलते हैं। इतना ही नहीं बल्कि दोस्तों ड्रैगन बॉल इन्फिनिटी स्टोन के मुकाबले ज्यादा सेफ भी होता है, क्योंकि दोस्तों इन्फिनिटी स्टोन में ऐसा भी होता है कि वो अपने यूजर के लाइफ फोर्स को ड्रेन कर देता है। फाइनली दोस्तों नंबर 1 पे आता है एनीगेस। जी हाँ दोस्तों क्रिम्सन बहलित बसक से। दोस्तों यहाँ पर सुपर नेचुरल नॉर्मल बहलित के जरिए गॉड हैंड के मेंबर के साथ फेस टू फेस हो सकता है, और दोस्तों यहाँ पर गॉड हैंड के मेंबर यूजर को रिवर्ट कर सकते हैं जैसे कि दोस्तों यूजर एपोस्टिल में बदल जाएगा, लेकिन दोस्तों क्रिम्सन बहलित के जरिए यूजर खुद एक गॉड हैंड का मेंबर बन जाएगा। और दोस्तों ये मेंबर मोस्ट पावरफुल डेमन किंग होते हैं जो कि दोस्तों एपस्टोल के ऊपर राज करते हैं। यहाँ पर नॉर्मल बैलेट के जरिए रिबर्थ पॉसिबल है। जो भी यूजर रिबन होता है एपोस्टिल के जरिए उसको किल कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल साबित होता है। यहाँ पर दोस्तों इन्फिनिटी स्टोन अपने यूजर को पावर अप कर सकता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्रिम्सन बैलेट जो कि नॉर्मल बैलेट से बहुत ही ज्यादा पावरफुल है बियॉन्ड इन्फिनिटी स्टोन का पावर का काम करता है, जो कि दोस्तों अपने यूजर को डीमन किंग बना देता है आफ्टर लाइफ और डीमन वर्ल्ड का। तो दोस्तों यही था एनिमी में टॉप 10 मोस्ट पावरफुल ऑब्जेक्ट्स के बारे में जो कि दोस्तों इन्फिनिटी स्टोन से भी ज्यादा पावरफुल है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा और हम अब तक ऐसे ही ऑसम कंटेंट पहुंचाते रहेंगे। तो दोस्तों हमसे वापस मिलते हैं किसी दूसरे नए वीडियोस में।